देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। विंग कमांडर अभिनंदन एक ऐसा नाम है जिसे आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मन देश के लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन आज पूरे देश के हीरो बन चुके हैं। उनकी मूंछों का दीवाना तो पूरा यूथ है। फेसबुक और ट्विटर पर लोग खुलकर अभिनंदन की मूंछों की तारीफ करते हैं। कई लोग तो अभिनंदन की मूंछों के इतने दीवाने हैं कि उनका मानना है कि मूंछें हो तो अभिनंदन जैसी वरना ना हो। मूंछों को लेकर एक बहुत पुरानी और फेमस कहावत भी है कि मूंछें हो तो नथुलाल जैसी, मगर अब लोग कहने लगे हैं कि मूंछ हो तो विंग कमांडर अभिनंदन जैसी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के रूप में देश को एक नया सुपर हीरो मिला है। ये सुपर हीरो हवा में विमान उड़ाता है, दुश्मन के जहाज को मार गिराता है और दुश्मन की धरती पर निडर होकर 60 घंटे बिताता है और फिर किसी सुपर हीरो की ही तरह सीमा पार करके अपने देश की जमीन पर कदम रखता है। F-16 विमान गिराकर पाकिस्तान को गहरा जख्म देने वाले भारतीय वायुसेना के जाबाज लड़ाके अभिनंदन की वीरता की कहानी अब वीडियो गेम में नजर आएगी। इस गेम के लीड हीरो होंगे विंग कमांडर अभिनंदन। ये वीडियो गेम मोबाइल प्ले स्टोर पर, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। गेम की शुरुआत उसी लड़ाकू MiG-21 विमान के साथ होगी जिसे विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ाते हुए पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। इस गेम में बकायदा MiG-21 के साथ भी खड़े हुए दिखाई देंगे। शुरुआत में सिंगल प्लेयर मोड में उपलब्ध होगा, लेकिन इसके बाद इसे मल्टीप्लेयर मोड में डेवलप किया जाएगा। इस मोबाइल गेम में फाइटर प्लेन MiG-21 के अलावा भविष्य में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाने वाले फाइटर जेट राफेल को भी दिखाया गया है। मोबाइल गेम के इस खास वीडियो को एयरफोर्स ने जारी कर दिया है। इसमें राफेल के अलावा Sukhoi-30, MiG-29 और बालाकोट में बम बरसाने वाले मिराज को भी एनिमेटेड तौर पर दिखाया गया है। इस गेम को खेलते वक्त आपको मिशन में कई कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर जैश के कैंप को तबाह कर दिया था। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजे थे, जिसे खदेड़ने के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए। वहां उन्होंने F-16 विमान को मार गिराया, मगर उन्हें पाकिस्तान ने कैद कर लिया। इसके दो दिन बाद वैश्विक दबाव के बीच पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन की जाबाजी के किस्से हर तरफ सुनने को मिले। इस गेम का मकसद न केवल यूजर्स का मनोरंजन करना होगा, बल्कि इस गेम की मदद से हमारे देश के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं के बारे में भी यूजर्स जान सकेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।